सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग लाख की चिड़िया की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर पर भी एक नजर डालते हैं। तो आइए सीधे बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर की ओर। अगला प्रश्न हमारा, लेखक कांच के चूड़ियों को किसका प्रतीक मानता है? लघु उद्योग, मशीनी युग, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा मशीनी युग। अगला प्रश्न, बदलू के अनुसार कहाँ की औरतें मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं? नगर की, गांव की, कस्बे की, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा नगर की। बदलू के अनुसार नगर की औरतें मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है। अगला प्रश्न हमारा, बदलू काका का पैतृक व्यवसाय क्यों बंद हो गया? लघु उद्योग के कारण, मशीनों के द्वारा बनाई गई चूड़ियों के कारण, खेती के कारण, बीमारी के कारण। सही उत्तर होगा मशीनों के द्वारा बनाई गई चूड़ियों के कारण। अगला प्रश्न हमारा, बदलू काका लेखक के खाते कैसे करता था? मिठाई से, पकवानों से, गाय के दूध की मलाई से, मेवों से। सही उत्तर होगा गाय के दूध की मलाई से खातिर करता था। अगला प्रश्न हमारा, लेखक ने बदलू काका को अपना नाम क्या बताया था? सोहन, मोहन, जनार्दन, कामता प्रसाद। सही उत्तर होगा जनार्दन बताया था। अगला प्रश्न, लेखक एक लंबी अवधि तक अपने मामा के गांव क्यों नहीं आया? लंबी दूरी के कारण, बीमारी के कारण, पिता की दूर बदली हो जाने के कारण, परीक्षा के कारण। सही उत्तर होगा पिता की दूर बदली हो जाने के कारण। अगला प्रश्न हमारा, बदलू काका किस बीमारी से पीड़ित था? फजली खांसी, काली खांसी, मलेरिया, दमा। सही उत्तर होगा फसली खांसी से पीड़ित था। अगला प्रश्न हमारा, बदलू काका की बेटी का क्या नाम था? दानी, रज्जू, कविता, सुमन। सही उत्तर होगा रज्जू नाम। प्रश्न, जमींदार की बेटी के लिए बनाया गया चूड़ियों का जोड़ा किसने पहना? रानी, रज्जू, कविता, सुमन। सही उत्तर होगा रज्जू ने पहना था। अगला प्रश्न, काम बंद होने के कारण बदलू ने क्या बेच दिया? अपना घर, अपना खेत, अपनी गाय, अपनी दुकान। सही उत्तर होगा काम बंद होने के कारण बदलू ने अपनी गाय बेच दी थी। आइए अगले बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर की ओर। बदलू बेलन पर चूड़ियां चढ़ाकर उसे किस दृष्टि से देखता था? नववधु की गर्दन की भांति, नववधु के पैरों की भांति, नववधु की बाजू की भांति, नववधु की आंखों की भांति। सही उत्तर होगा नववधु की बाजू की भांति बदलू बेलन पर चूड़ियां चढ़ाकर उसे देखता था। धन्यवाद बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आप लोग आगे की ओर बढ़ते रहिए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।